आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एग देखते हैं। ये जो एग सेल है, ये देखिए आप पूरा, ये जो मोटा सा काला भाग है ये एग सेल है। हाँ, कि वहाँ पे मोटा होता है, ये एग सेल होता है। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये पार्ट। और ये जो है पतला होता है, छिद्रदार होता है, और ये अगर हम इसे बीट करेंगे तो ये टूट सकता है, यानी कि टूटने वाला होता है। उसके बाद ये हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है, ये संख्या में दो होते हैं, एक तो मृत सेल में पाए जाते हैं और दूसरा अंडे के भीतर जो सफ़ेद भाग होता है इस पर जुड़े रहते हैं। ये देखिए आप, दो भाग है ना, इस पर जुड़े होते हैं। देन उसके बाद ये देखिए आप, अंडे की जो सफ़ेदी होती है, ये अंडे की सफ़ेदी, ये भाग, ये भाग, ये भाग, और ये तो वाई के वाई पोस्ट होता है, इसमें हवा भरा रहता है। और इसमें ये देखा जाता है कि कितना बड़ा है, इसी के आधार पर हम अंडे की अच्छाई और मतलब गुणवत्ता उसकी पहचान करते हैं। अगर जितना बड़ा ये वायु कोश होगा एयर सेल, वो अंडा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद ये देखिए आप चैलेजा, चैलेजा ये धागे के समान भूरे रंग की आकृति होती है और इसकी उत्पत्ति ठीक व्हाइट वाले भाग से होती है, यहाँ से, इस पार्ट से। और उसके बाद एगोल्फ है, ये देखिए आप, एगोल्फ मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये एक पतली झिल्ली होती है जो कि अंडपीठ तथा अंडे की सफ़ेदी भाग को एक दूसरे से अलग करती है। ये जो है अलग कर रही है, मतलब यहाँ और इस पार्ट को अलग करती है। ये वाइट भाग होता है, ये पीला भाग होता है, तो एगोल्फ इसी दोनों को अलग करती है। इसे हम वाइटलेट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये देखिए, इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं। और उसके बाद है ये जो एगोल्फ है, ये अंडे के मध्य का भाग होता है, मतलब ये पीला पीला भाग होता है। इसका कार्य होता है कि इस वाइट भाग और पीले भाग को अलग करना। और ये क्या होता है, ये पूरा पीला ही भाग होता है। और ये पीला भाग जैसे अगर ज़्यादा पीला रहेगा तो हम उसे इसे जान सकते हैं कि उस मुर्गी को ज़्यादा हरे चारे दिए गए हैं। और अगर ये कम पीला होता है तो उसे हम ये जान सकते हैं कि मतलब उसे हरा चारा कम मात्रा में प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आता है ये थिन लेयर ऑफ एल्बुमिन और थिक लेयर ऑफ, ये जो छोटा सा पार्ट वाइट का होता है उसे थिन लेयर ऑफ एल्बुमिन कहते हैं, और ये जो बड़ा सा पार्ट होता है उसे हम थिक लेयर यानी कि मोटा वाला, ये मोटा सा भाग होता है। और उसके बाद ये लैटरेबा है, यहाँ से ये जनरल डिस्क है, यहीं से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये जो इस तरह से सीधा सा भाग गया है, यहीं से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। और यहीं पर, और इसका लगभग जानते हो आप तापमान कितना होना चाहिए, अगर उपयुक्त तापमान हो तो भ्रूण कैसा वृद्धि करता है, 95 डिग्री फारेनहाइट से 100 फारेनहाइट। इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ एग समझते हैं। और